सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि स्लेट का एग्जाम हो चुका है। एज वी ऑल नो, स्लेट 4 स्टेज में होता है। पहला तो एग्जाम होता है, दैट इज डन। व्हाट इज लेफ्ट इज फर्स्ट वेट, विच इज राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। सेकेंड इज CV, आपको CV प्रिपेयर करनी होगी इंटरव्यू के लिए। दैट्स थर्ड, और फोर्थ इज योर इंटरव्यू। तो ये 4 स्टेज प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी हो चुका है। जितना फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, जो आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा आपका इंटरव्यू और बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? आई एम सेइंग सो बिकॉज लास्ट ऐसे कई सारे बच्चे जिनका स्कोर 46 था, 47 था, सिम्बायोसिस पुणे से नोएडा से उनका कॉल आ गया था, इंटरव्यू हुआ, बट ना ही उनका सिलेक्शन सिम्बायोसिस पुणे में हुआ, ना ही नोएडा में हुआ। देयर वाज वन स्टूडेंट का 52 मार्क्स भी आए थे। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। ऑन द अदर साइड देयर वाज वन स्टूडेंट जो CMP का स्टूडेंट था, सिद्धार्थ नाम था मेरे ख्याल से, 37 मार्क्स आए थे, जो कि कंपेरेटिवली कम थे बाकी से, बट ही डिड रियली वेल इन इंटरव्यू एंड CV बहुत अच्छा था, उसका सिलेक्शन हो गया था। क्लियर है? तो इनका स्टेज इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना एग्जाम का था। द स्टार्ट तो मिली, अगर ये कहीं डिमार्केशन नहीं है, बट अगर हम देखें तो एग्जाम का 60 मार्क्स है, 20 मार्क्स वेट का और 20 मार्क्स इंटरव्यू का। ये मैंने उन बच्चों से जब बात किया जो ऑलरेडी वहां पढ़ रहे हैं, जैसे व्याहान है, जो सिम्बायोसिस पुणे में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, कि ये भैया हमने ये फिगर आउट किया कि इतना ऐसे डिविजन रहता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। पहले मैं आपको नेक्स्ट 5 मिनट में वेट एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आई एक्सप्लेन योर CV कैसे बनानी है, और थर्ड विल कम टू इंटरव्यू। ठीक है, वेट के टॉपिक्स भी मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट इज वेट 30 मिनट्स का होगा, दैट्स फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज ऑनलाइन होगा, लैपटॉप के साथ होगा, आपको टाइप करना पड़ेगा, तो इसलिए ये होम बेस्ड होगा वेट आपका। तो आपको ऑलरेडी इसलिए जो IRC DRC होता ना, वो आपके सिर्फ लैपटॉप को चेक करने के लिए होता कि कंपेटेबल है या नहीं है। 21 वेट की डेट है, 21st of July को वेट होगा। 15-16 के अराउंड आपका वेट का टेस्ट हो जाएगा कि आप लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, और आपका स्क्रीन आएगी वो। तो आपको एग्जाम डे पे कुछ नहीं होगा, एग्जाम डे का घर से होना है, तो आपको एक लिंक आ जाएगी। आपको जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे, यू गेट एक्सेस टू द पोर्टल जो सिम्बायोसिस पुणे का होगा। सामने एक जैसे वर्ड फाइल आप सबने देखा होगा ना, MS Word आप सबने यूज किया होगा, बस उसी में आपको टाइप करना होता है। क्लियर है? थर्ड इज कितना टाइम है, 30 मिनट्स है, और कितने वर्ड्स है। 400 से 600 वर्ड और 700 वर्ड एक आइडियली माना जाता है वेट का। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 100 वर्ड ही लिख पाओ। देयर वाज वन स्टूडेंट लास्ट ईयर, रश्मि नाम था मेरे ख्याल से, रश्मि ज्योति करके एक लड़की थी, 80 सेट के भैया, एग्जाम सब अच्छा था सब, बट वेट में जैसे आया, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया था, तो मैं हार्डली 100 वर्ड ही टाइप कर पाऊँ वहाँ पे। लैपटॉप में प्रॉपर टाइप करना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चों ने मुझसे बोला भैया आईपैड में चल जाएगा, बड़ी अगर वो लैपटॉप कह रहे हैं तो लैपटॉप रखो, जो वो कह रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। क्लियर? ओके, वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दिया। फोर्थ पॉइंट इज दो आपको ऑप्शन रहेंगे। जैसे इस बार अगर देखें तो एक आया था ऑनलाइन जुडिशियल सिस्टम, इस साल मतलब लास्ट ईयर जब हुआ था ना वेट, जो भी एग्जाम तो 3 दिन हुआ था, 10th of July को हुआ था, 11th और 12th को, तो 3 दिन अलग अलग एग्जाम थे, अलग अलग वेट आए थे। तो लास्ट डे कैसा होता था, 1 घंटे का एग्जाम और तुरंत ही आधे घंटे उसमें वेट होता था, और लास्ट डे घर से ही था। इस साल उन्होंने एग्जाम ऑलरेडी ले लिया, वेट को 30 मिनट्स अलग से दिया जाएगा, और जो 21st को आपको लिखना होगा। दो आपके पास टॉपिक आएंगे। लास्ट ईयर जैसे एक दिन 10th of July को जो टॉपिक थे, फर्स्ट था ऑनलाइन मतलब डिजिटलाइजेशन ऑफ जुडिशरी का था फर्स्ट थिंग, और सेकंड था सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट था, और एक दो टॉपिक और थे कोविड वाले थे, मिसमैनेजमेंट एंड कोविड। तो इनसे मतलब 2 टॉपिक आपके पास हैं, उन 2 में से आपको एक चूज करना पड़ेगा और एक पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इट्स योर चॉइस, कोई मैंडेटरी नहीं कि कौन सा, बट वही टॉपिक लिखना जिसमें सब्सटेंशियली कुछ है आपके सेमेस्टर लिखने के लिए। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा लास्ट ईयर जो 6 वेट के टॉपिक थे। और सरप्राइजिंग एक अच्छी बात ये भी थी कि CMP हमेशा एक लिस्ट देता है, इस साल भी हम आपको 150 टॉपिक की एक वेट की लिस्ट देंगे, जो कि हम सिर्फ चैंपियन बैच में दे रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर इट वॉज टू everyone, बट दिस ईयर सो दैट कॉम्पिटिशन है ना। तो और सेकेंड लास्ट सारे के सारे 6 के जो वेट के टॉपिक थे उसी लिस्ट से आए हुए थे, तो इस साल भी होपफुली वही उन्हीं लिस्ट से होंगे, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे चैंपियन बैच में। ओके, इसके बाद 6 पॉइंट ये है कि आपके 4 to 5 पैराग्राफ होते हैं। मतलब अगर एक वेट टॉपिक आपके सामने है, मेजर डिवीजन तो 3 होंगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का हो गया, मेन बॉडी में 2 से 3 पैराग्राफ हो सकते हैं, और लास्ट में लास्ट में कंक्लूजन में 1 पैराग्राफ। तो ऐसे आप डिवीजन कर सकते हो, तो 4 to 5 पैराग्राफ लिख सकते हो। पॉइंटर्स में मत लिखना कि आप 10-20 पॉइंट्स लिख दो, वैसे नहीं लिख सकते। अगर आप इन बिटवीन कहीं पर अगर आप सजेशन दे रहे हो कुछ, वहां पे 1-2 पॉइंट लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं कि पूरा 1 to 20 पॉइंट में लिख दो, ऐसा नहीं होगा, पैराग्राफ में लिखना होगा आपको। ओके, ठीक है। अब और अगर कुछ टॉपिक आ जैसे हिजाब बैन पे आ गया, ठीक है, तो
ये ओपिनियन बेस्ड वाला टॉपिक कहलाएगा। तो ओपिनियन बेस्ड वाले जो टॉपिक हैं तो उसमें बैलेंस रखना, कोई एकदम एक्सट्रीम मत लिखना, एकदम अगेंस्ट नहीं, बैलेंस रखना। आप एक लॉ स्टूडेंट है, एक बैलेंस आउट करके आपको पैसेज लिखना होगा। और हमने बहुत सारे बच्चों के हमने सैंपल वेट भी मंगाए हैं, तो हमने कुछ जो ऑलरेडी सिंबोसिस पढ़ रहे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर क्लियर किया था, हमने उससे वेट के टॉपिक हमने भेजे हैं, वो हमें लिख के भेजेंगे प्रॉपरली, उनको हम फॉर्मेट आपको देंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि टॉपिक को कैसे अप्रोच किया जाता है। बाकी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर भी दूंगा, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप 700-800 वर्ड लिख दो, कुछ सेंस ही ना बनाए, हमेशा एक कंपेरेटिव एक क्वालिटी कंटेंट आपको लिखना है वेट के लिए। 30 मिनट्स हैं, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड मेटल आप लिखो, दैट समथिंग विच इज देयर लुकिंग फॉर। एथ पॉइंट इज वॉट एग्जैक्टली यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग अ वेट। फर्स्ट इज फ्लुएंसी, काफी सही से लिखना है। सेकंड एक स्ट्रक्चर वे में लिखना है, ऐसे नहीं कि रैंडमली आप लिख रहे हैं, एक थॉट प्रोसेस होता ना वो सही होना चाहिए। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आई रिक्वेस्ट यू, जो भी चीजें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ प्लीज कीप अ नोट ऑफ दिस। ये कहीं भी कोई एक्सप्लेन नहीं करता, मैं यूट्यूब देख लिया, मैं सारी जगह कहीं पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑलरेडी PDF के फॉर्म में भी आपको चीजें सजेस्ट करेंगे, बट जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ प्लीज नोट करते जाना, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे और एग्जाम आ जाएगा और जो वेट आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। फ्लुएंसी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज ग्रामर सही होनी चाहिए। फिफ्थ इज नॉलेज, आप नॉलेज को यूज करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही से लिखना है। और फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, इनका कॉम्बिनेशन होता है आपका पूरा वेट। नाइन्थ इज मैं सजेस्ट करूंगा 21st of July को आपका वेट होगा, तो आई से डेली बेसिस पे कम से कम 3 वेट आप डेली प्रैक्टिस करो। टॉपिक हम आपको दे देंगे, उन पर आप लिखना शुरू करिए, दैट वुड बी मोर देन सफिशियंट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इज थर्ड पर्सन, जो भी आपका वेट होता है थर्ड पर्सन में लिखना होता है आपको। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट है तो ऑब्वियसली माय नंबर इज देयर, आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। स्लाइड का मैंने ग्रुप का एक्सेस दिया, नीचे लिंक दिया, वहां भी आप पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट कर देना। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने वेट का एक्सप्लेन किया। अब हाउ टू राइट अ वेट, 30 मिनट्स का टाइम होगा, कैसे इस टाइम को डिवाइड करना है, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक टॉपिक को लेकर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट इज, सबसे पहला स्टेज है आपको दो टॉपिक में से एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है, क्लियर, दैट्स फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज है, उसमें 1 मिनट लग सकता है, 1 मिनट लगा दो, बट सही टॉपिक करना। कई बच्चे थे लास्ट ईयर, सर हमने एक सेकंड दो टॉपिक में से एक चूज कर लिया, बाद में हम जब आधा लिखिए हम ब्लैंक हो गए कि हम और क्या लिखें, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट, माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी, 2 से 3 मिनट या 2 मिनट, 1 या 2 मिनट आप जरूर लेना माइंड मैपिंग करने के लिए। माइंड मैपिंग क्या होगी कि हमारा जो हम ऐसे लिखने वाले हैं, जो वेट लिखने वाले ऐसे ही होता है मेनली, तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसको माइंड मैपिंग कहते हैं। माइंड मैपिंग करके हाँ मैं ये सारी ये मैं कुछ सपिंग होगा जजमेंट लिख दूंगा, मैं करंट एग्जाम्पल लिख दूंगा, ये टॉपिक मुझे कवर करना है, माइंड मैपिंग प्लीज करना। क्योंकि अगर माइंड मैपिंग कर लोगे, माइंड मैपिंग का मतलब बस एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लोगे क्या क्या चीजें हमें लिखनी है, ठीक है। अब माइंड मैपिंग करते टाइम क्या क्या चीज आपको दिमाग में रखनी है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मैं इन्फॉर्मेशन क्या होगी, फर्स्ट इज इन्फॉर्मेशन क्या होगी आपके पूरे उस टॉपिक के, वो आपको जब आप माइंड मैपिंग करो आपको ध्यान रखना है। सेकंड, फ्लो ऑफ द आर्गुमेंट मेंटेन करना है। थर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेना। जब माइंड मैपिंग आप लिख तो नहीं सकते वैसे, वहां पे शीट आप अलाउड तो नहीं रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप वो कैमरा रहेगा और वो डिटेक्ट भी करता है, वहां पे कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं रहता, ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल, ऐसा नहीं होता इसमें। और लॉ है अगर रिसेंट एग्जाम्पल भी लिखना है तो ये आप एक माइंड मैपिंग करके रख लो, ओके। थर्ड पॉइंट इज, 3 पार्ट में हम अपने वेट को लिखना है। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, कितना टाइम देना है, 5 to 7 मिनट्स। कितने वर्ड्स लिखने हैं, 100 से 150 वर्ड्स। और कितनी लाइन लिखनी है, 7 से 8 लाइन। आई रिपीट, इंट्रोडक्शन होगा आपका 5 से 7 मिनट, आप प्लीज नोट कर लीजिए, 5 to 7 मिनट्स में इंट्रोडक्शन होगा। 100 से 150 वर्ड्स लिखने हैं और 7 to 8 लाइन आपको लिखना है वेट में। सेकेंड इज मेन बॉडी, मेन बॉडी आपको कम से कम 10 से 15 मिनट देने हैं फर्स्ट। सेकेंड, 200 से 250 वर्ड लिखेंगे आप मेन बॉडी में, 2 से 3 पैराग्राफ हो सकते हैं और 14 to 15 लाइन होनी चाहिए, नॉर्मली लाइन जैसे हम वर्ड फाइल में लिखना है वैसे वाली। कंक्लूजन, 5 से 7 मिनट देने हैं, 100 से 150 वर्ड्स होने चाहिए और लास्ट में 7 to 8 लाइन आप लिख सकते हो। तो एक पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, बीच में 2-3 पैराग्राफ मिला के मेन बॉडी। यहां तक क्लियर है? तो ये कुछ मेन पॉइंट है। अब ना फोर्थ पॉइंट इज, तो फोर्थ पॉइंट में मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। टेक एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग द एज ऑफ अ वीमेन, फ्रॉम जो एक गर्ल की एज को बढ़ाने को लेकर अभी काफी कन्वर्सेशन चल रहा ना कि 18 से लेकर 21 कर देते हैं। ये टॉपिक आ गया, ये वेट का टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे लिखना है। अब मुझे पता है मेरे पास 30 मिनट्स हैं, 400 से 600 वर्ड में लिखना है, मेरे पास लिमिट्स भी पता है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन और 4 से 5 पैराग्राफ होंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा,
बेसिकली आई इंट्रोड्यूस इन अ वे कि रिसेंटली कैबिनेट हैज डिस्कस दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि वेदर द एज ऑफ द मैरिज फॉर अ फीमेल शुड बी इंक्रीज टू 21, क्योंकि ऑलरेडी फीमेल के लिए 18 है, मेल के लिए 21 है. मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. सेकंड मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये रेलिवेंट क्यों है, क्यों एक कन्वर्सेशन का पार्ट बना, कि कोई रिपोर्ट थी या रिसेंटली लाइक कुछ रिपोर्ट किसी ने सजेस्ट किया था इसलिए कन्वर्सेशन आया, या कुछ इश्यूज आ रहे थे उस एज को लेकर. तो ये इंट्रोडक्शन मैंने इंट्रोड्यूस बस कर दिया कि टॉपिक क्यों रेलिवेंट है, क्यों न्यूज में है और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है. इसी में इंट्रोड्यूस करते टाइम मैं बता दूंगा कि ऑलरेडी लॉ है, देयर इज अ लॉ, उसको मैं एक्ट को, अगर आपको एक्ट पता है जो कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट का कुछ, मैं उसको मेंशन कर दूंगा और आई एक्सप्लेन कि 18 एज अभी ऑलरेडी मेंशन है फीमेल के लिए और मेल के लिए 21 है मैरिज का. और आई एक्सप्लेन कि अलग अलग सेपरेट लॉज हैं जो पर्सनल लॉज हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है जो अभी मैरिज को गवर्न करता है. ये होगी पहली बात. दूसरा, ये मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया. अब आई कम टू अ मेन बॉडी. अब आई एक्सप्लेन कि ऑब्वियसली जो लॉ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या एस्पेक्ट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट. अब ऑब्वियसली फिर से कि हाँ इट शुड बी इंक्रीज, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ पॉइंट्स की वाई शुड बी इंक्रीज, बिकॉज एज वी ऑल नो कि एजुकेशन की जो कॉमन एज है, अगर हम देखें कि एक एजुकेशन अगर कोई परस्यू कर रहा है तो 17-18 के एज तक तो 12th ही हो पाती है, 16-17 तक 12th होती है. डिग्री करते करते अगर 3 ईयर की बेसिक डिग्री भी करे, कोई ड्यू से करे ना, तो भी वो 21 एज हो जाएगा, राइट. तो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनली फैमिली का प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि अब तो लॉ बन गया. और अभी पहला चीज तो मैं बता दूंगा एजुकेशन में काफी हेल्प होगा, पहला. दूसरा है, देयर आर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स व्हिच सेज कि मेडिकली यू नो योर बॉडी आल्सो इवॉल्व इन अ वे, तो उसको लेके भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि साइंस आल्सो सेज दिस. थर्ड, आई विल सी इन अ वे कि शी वुड बी मोर अवेयर, उसकी चॉइस हो जाएगी 21 के. अभी तक क्या होता है कि पेरेंटल प्रेशर होता है, और जब हम रूरल एरियाज में जाते हैं तो वो तो 21 एज की एज में वो खुद के डिसीजन भी ले पाएगी, वो खुद सेल्फ अवेयर होगी कि वो मैरिज के लिए रेडी है या नहीं है, दी ऑल थिंग. 18 के एज में से जस्ट मतलब 12th करके आई है तो कॉलेज करेगी, जब एजुकेशन तो उसको और पढ़ना होगा, सी कैन डिसाइड इट, तो एक कोई प्रेशर नहीं होगा. फोर्थ पॉइंट आई मेंशन कि जो चाइल्ड मैरिज है विच इज स्टिल रेलिवेंट इन इंडिया, अभी भी कुछ जगहों पे हैं जहाँ पे अभी 14 के एज में, राजस्थान के कुछ एरियाज हो सकते हैं, कुछ अलग स्टेट हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज इज रेलिवेंट, तो उसको ऑब्वियसली लॉ है फिर भी नहीं, तो एटलीस्ट ये हेल्प करेगा कि मैरिज की एज जब 21 तक हो जाएगी. तो ये कुछ मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा और थोड़ा उसमें कुछ कि ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, और सारे एग्जाम्पल्स मैं दे दूंगा कि पॉलिटिक्स में आने के लिए एक ऑप्शन हो जाएगा वीमेन कॉन, ये सारे मैं कि क्यों एज बढ़नी चाहिए, अभी जो 18 है वो क्यों 21 होनी चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया. और ऑब्वियसली इट्स वेरी मच पॉसिबल, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से करता है तो वैसे पार्लियामेंट एक लॉ ला के कर सकती है. इसमें मैं एक और चीज मेंशन करूंगा मेन बॉडी में कि इसमें आस्पेक्ट कुछ हो सकता है कि जब ये एज बढ़ाई जाए तो कुछ सोसाइटी की तरफ से कुछ अपोजिशन आ सकता है. क्यों आएगा? क्योंकि ये पर्सनल हिंदू मैरिज एक्ट है जो सारे हिंदू जो होते हैं उनको गवर्न करता है, बट देर आर सम पर्सनल लॉज, मुस्लिम पर्सनल लॉज है, क्रिश्चियंस के अलग हो सकता है, स्पेशल मैरिज लॉ, ये सारे जब चेंज होंगे तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर लाइक दे में से रिलीजन की नहीं, हम आया तो 18 ही है या हमें इंक्रीज करने में दिक्कत, तो ये कुछ इश्यूज आ सकते हैं, राइट. ओके, जब ये एज चेंज होगा हमें लगा कि सर 3 ईयर बढ़ रहा है, मेनली हम पूरे एज अ सोसाइटी को चेंज करने वाले हैं, एज अ सोसाइटी में एकदम एक फंडामेंटल चेंज आने वाला है कि हमारे एज ऑफ अ चिल्ड्रन ऑन लॉट ऑफ थिंग्स विल बी चेंजिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन. तो हेयर आई कैन से कि सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर किया जाए, और दूसरा सारे लोगों को जो भी कंसर्न लोग हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को भी कंसर्न कर सकते हैं, लॉयर्स को कंसर्न कर सकते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं, उसके सारे आस्पेक्ट, क्योंकि लॉ ऐसा ना हो कि हम ला दें उसके बाद में इश्यूज हैं, तो सारों को कंसल्ट करके दे कैन फ्रेम आ लॉ, सारी चीज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. पर्सनल लॉज में ऐसा ना हो कि लॉ बन जाए उसके पर्सनल लॉज में रहे कि कि हम तो 18 में ही करेंगे जो भी एज में हो. तो ये सारा एक हम प्लॉट, हमने उसको लॉ भी एक्सप्लेन कर दिया, हमने अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, हमें से कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा कहता है, तो एटलीस्ट गर्ल्स के लिए एश्योर हो पाएगा, उनका लिटरेसी रेट बढ़ पाएगा. अगर हम ऐसे देखें ना, एक फैक्ट मैं तो मैं अगर मैं लिख रहा होता मैं इसमें एक्सप्लेन करता कि दो हमारा जो लिटरेसी रेट देखा जाता है वो तो बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन का देखा जाता है. लेट्स सी कि प्राइमरी एजुकेशन का सेकेंडरी एजुकेशन में कितने गर्ल्स बॉयज आ रहे हैं, कितने गर्ल्स आ रहे हैं, हायर एजुकेशन में कितने फीमेल का रेशियो है नहीं है, वो अभी कम है. जब ये एज बढ़ जाएगी तो ये बढ़ सकता है. तो दिस इज अ रियल या प्रोग्रेसिव स्टेप हम इसको कहेंगे. तो ये हमने मेन बॉडी में लिख दिया. कंक्लूजन में वही सारी चीजें जो मैंने ऊपर लिखी है उसको कंक्लूड करते हुए कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलिवेंस है और क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं मेजर, अपने थोड़े बहुत कुछ सजेशन हो तो अपन मेन बॉडी में ऐड कर देंगे और नीचे करके मैं कंक्लूड कर दूंगा.
कि बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया जाना चाहिए और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। ये एक वेट प्रॉपर होगा, मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन भी दिया, रिपोर्ट्स भी साइड कर दिए, करंट के एग्जाम्पल भी दे दिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट का उसका भी रेलिवेंस बता दिया, लॉ कैसे होता है, सारी चीजें अभी क्या चल रहा है वो सारी चीज। दिस इज हाउ द वेट थिंग वर्क, समझ आ गया ना। फिफ्थ पॉइंट इज अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, आपको वेट लिखते टाइम ग्रामेटिकल मिस्टेक अवॉइड करना है। सिक्स, हमने जब इंट्रोडक्शन दे दिया उसके एक लाइन का आप स्पेस दे सकते हो, उसमें ज्यादा जब आप टाइप कर रहे हो ना सिस्टम में ना ज्यादा चीजें एक्टिव नहीं रहती, तो स्पेस और एंटर तो काम करता है, तो एक लाइन का स्पेस दे दो जैसे वो सिस्टमेटिक लगे कि हाँ अच्छे से किया है, एक सिस्टमेटिक वे में किया। ठीक है, नाउ कंक्लूजन, एक मैं आपको एक और तरीका है, ऐसा नहीं कि अगर हम लिख रहे तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन हेडिंग डालें, जरूरी नहीं है। हम एक पैसेज लिखेंगे वो एक विजिबल है, जो पढ़ रहा होगा उसके लिए क्लियर रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज ये कंक्लूजन वाला पार्ट हो गया। सेवेंथ इज कंक्लूजन में हम समराइज करते हैं पूरे अपने उसको। एथ पॉइंट इज कुछ दो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, आई रिक्वेस्ट कि मैं आई थिंक हमने जब से टॉपिक लिस्ट दिया है चैंपियन बैच में हमने प्रोवाइड किए थे 15 टॉपिक, मैं 100 प्लस वेट टॉपिक बच्चों के चेक कर चुका हूँ और मेक श्योर कम से कम 20 बेटर प्रैक्टिस करूँ बिफोर राइटिंग यू नो वेट, नहीं तो वहाँ पर डिफिकल्टी आ सकती है। सेकेंड इज मैं आपको दो टॉपिक दे रहा हूँ, फर्स्ट है हिजाब बैन, पहला टॉपिक है, सेकेंड इज फेमिनिज्म इन करेंट टाइम, है ना। तो इसके जो ये दो टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक को आप चूज कर लो दोनों में से, उनको लिखो सेम तरीके जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उस पर लिखिए, और एक बार लिखने के बाद माई नंबर इज देयर 8458892652, सेंड इट टू मी, आई गो थ्रू इट, कुछ कुछ चीजें होंगे मैं उसको मेंटर्स को भेज दूंगा एंड मेक श्योर कि आप उसको भेजें, सो आई कैन करेक्ट यू कि कैसे आपको लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज योर टास्क। नाउ टेंथ इज ऑब्वियसली आई सेट कि वेट के दो पॉइंट और है, उसके बाद वेलकम टू द इंटरव्यू वाला पार्ट। वेट में लास्ट इज हम आपको जो 150 टॉपिक वेट के देंगे जो कि सीएमपी चैंपियन बैच में होंगे, विच इज अ पेड बैच जस्ट फॉर द 1000 रुपीज, वेर यू गेट एक्सेस टू वेट, इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन, इंटरव्यू के लिए भी हम आपको कुछ 300 क्वेश्चन देंगे। लास्ट ईयर 90% क्वेश्चन वही थे, वेट के 6 out of 6 टॉपिक वर फ्रॉम सीएमपी का वेट लिस्ट, ग्रुप अवेलेबल, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और डाउन ओनली 190 प्लस बच्चे सिंबोसिस पुणे में गए और कुछ 500 प्लस बच्चे सिंबोसिस पुणे, नोएडा, हैदराबाद और नागपुर मिला के सीएमपी से जो गए थे लास्ट ईयर। दिस ईयर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द सीएमपी चैंपियन मैच, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब तो दो चीजें, एक तो वो 150 टॉपिक जरूर करना वेट के, मैंने उसके साथ पहले जो टॉपिक दिए हैं नीचे में उनका रीडिंग मटेरियल भी दिया है, वो बड़ा जरूरी है उनको पढ़ के जाना। सेकेंड इज लीगल बाइट्स, तो कई बार ना ये लीगल बाइट्स के 220 टॉपिक्स हैं। लीगल बाइट्स इज अ पेड पोर्टल, 200 रुपीज का पोर्टल होता है, तो अगर आप चैंपियन बैच ले रहे हैं तो आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। इफ यू जस्ट वांट टू बाय द लीगल बाइट्स का पोर्टल, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, 200 रुपीज का पोर्टल है, उससे हमें 220 टॉपिक्स लीगल करंट अफेयर के उसमें दिए हुए हैं, वो आपको वेट में हेल्प आएगा, इंटरव्यू में हेल्प आएगा, कुछ करंट टॉपिक पूछने का आपको पता तो होना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये हमने वेट कवर कर दिया, तो होपफुली वेट वाली चीज क्लियर होगी। तो वेट के बाद आता है इंटरव्यू, वेट रिलेटेड कुछ क्वेरी होगी नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, या तो मेरा नंबर है स्लेट वाले ग्रुप है उस पर आप पूछ सकते हैं, सारे की लिंक नीचे रहेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट विच इज इंटरव्यू। 21 को आपका वेट हो जाएगा, उसके बाद मेरे ख्याल से 24 या 23 से लेकर 30 तक उनके इंटरव्यू शेड्यूल है, बट इंटरव्यू आपका उस टाइम होगा, बट स्लॉट पहले बुक करने पड़ेंगे। स्लॉट क्या होते हैं, आपको डेज दिए जाएंगे कि आपको कब देना है, आपको टाइम भी पूछा जाता है कि आपको कितने कितने बीच में देना है। तो मेरा सजेशन तो ये होता है इनिशियली पहले दिन ही मत दे देना इंटरव्यू, शुरू के एक या दो दिन आप यूज़ करना कि हमें और लोगों के क्वेश्चन समझ आ जाए। बहुत टाइम होता है कि फर्स्ट और सेकंड जो पूछा था फिर वो क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं, एटलीस्ट हम प्रिपेयर्ड होकर तो जाएंगे। क्लियर, तो मेरा फर्स्ट सजेशन है कि थोड़ा सा वेट करना, अगर 23 से शुरू हो रहा है तो 25 की डेट ले लेना, 26 ले लेना, एकदम फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट डे तो मत लेना मैं कहूँगा। ठीक है, नहीं तो आपसे लोगों को पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, उल्टा होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए और लोगों से। ठीक है, और आप सिंबोसिस का जो सीएमपी चैंपियन बैच है ना, उसमें लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जितने सारे बच्चे थे, सी स्लेट की तैयारी ज्यादा लोग कराते नहीं है ना, सारी कोचिंग स्लेट तक लिमिटेड होती हैं, तो ये सीएमपी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जो भी अच्छा सिंबोसिस दे रहा है जो सीरियस है वो हमारे ग्रुप पे जरूर होगा, जैसे ही वो इंटरव्यू देके आता है उसके सारे क्वेश्चन हम ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, तो इमीडिएटली यू गेट एक्सेस टू ऑल दिस क्वेश्चन, तो आपको पता रहता है कि यार ठीक है I know this, या क्या पूछा, और तुरंत ही अगर कुछ नया क्वेश्चन होगा तो उसके आंसर भी हम साथ में लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। कई बार लास्ट उन्होंने पूछा था कि जैसे आप स्टेट से आप आते हैं उसके सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, करंट चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के और जो भी इंडिया के लॉ मिनिस्टर कौन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ना पहला पॉइंट, इंटरव्यू कितनी देर होगा, आइडियली देखें तो 10 से 15 मिनट होता है, कुछ बच्चों के केस में 2 या 3 में चला था और फिर कुछ का सिलेक्शन हो गया था, कुछ का नहीं हुआ था, तो अच्छा चीज़ है कि अच्छी देर चले तो उन्हें आइडिया लग जाएगा ना कि आप कितने अच्छे हैं आंसर करने के लिए।
एक या दो क्वेश्चन से जज करने के लिए वो सारे क्वेश्चन आप लोग जज कर सकते हैं। पहली बार कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आइडियली आते हैं, कई बार 7-8 क्वेश्चन रहते हैं, कई बार 5-6 रहते हैं, कई बार एक या दो में ही खत्म कर देते हैं, बट वो 7 से 8 पूछे 10 क्वेश्चन तक पूछते हैं वो। थर्ड, इज देयर एनी ड्रेस कोड, आंसर यस। आप ये पहन के तो नहीं जा सकते, ये तो नॉर्मल टी शर्ट है, आपको फॉर्मल क्लोथ में जाना पड़ेगा। फॉर्मल क्लोथ मतलब अगर बॉय है तो प्रॉपर टी शर्ट हो, मतलब फुल शर्ट होनी चाहिए, एंड देन ऑब्वियसली फॉर्मल नीचे आपका पैंट रहेगा एंड ऑल शूज एंड ऑल, वैसे इतना ही विजिबल होता है तो टाई वो पहला। अगर आपके पास टाई है तो एट दिस दैट हेल्प्स यू नो, थोड़ा और अच्छे आप लगते हो, अपने आपको अच्छा यू नो प्रोफेशनल लगते हो, तो टाई प्लीज लेना, क्योंकि सिम्बोसिस पुणे मेनली MBA वाले लोगों में जो इंटरव्यू होते थे ना, वहीं से आइडिया आया है उनका कि उन्हें इंटरव्यू ले, तो आप कैसे जा रहे हैं वो बड़ा मैटर करता है। तो अगर आपके पास नॉर्मल मिनिमम बेयर मिनिमम क्या होना चाहिए, एक फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट और नीचे शूज स्लीपर, क्योंकि इतना ही दिखेगा, तो देयर इज नो इशू इन दैट, और एक टाई अगर होगी दैट वुड बी रियली गुड। थर्ड, अगर उसके ऊपर ब्लेजर हो पाए तो दैट्स अ बेस्ट थिंग, जितना प्रोफेशनल आप लगेंगे दैट्स अ रियली गुड थिंग। और आप लॉ स्टूडेंट हैं तो हो, कोई भी इंटरव्यू आप अगर जा रहे हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज जा रहे हैं, तो ब्लैक ब्लेजर तो आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो ब्लैक ब्लेजर ले लेना, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? अगर गर्ल के केस में सेम फॉर्मल टी शर्ट एंड उनके में पैंट दैट्स वर्क, और ब्लेजर के साथ जाए दैट्स ऑल्सो वर्क। तो जो भी प्रोफेशनल हो और उस तरीकों का, आप कुछ गूगल पे देख भी सकते हैं कि आप पहन सकते हैं फॉर्मल, ठीक है ना। फोर्थ इज, पैनल में कितने लोग होंगे, 2 से 3 लोग पैनल होते हैं, कई बार 4 लोगों का होता है, कोई एक सिंगल पैनल भी होता है, बट मोस्टली 2 तो पैनल में जरूर होते हैं, दोनों लोग क्वेश्चन पूछते हैं। फिफ्थ, मैंने देखा था लास्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता था, एक डॉक्यूमेंट से गो थ्रू कर रहा था कि क्या आपके CV में क्या है, आपने क्या क्या दिया है, ओके। और इंटरव्यू से पहले आपको CV सबमिट करनी पड़ती है, तो मैं इस बार आपको CV का भी एक्सप्लेन करूंगा, CV में क्या क्या रखते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फिफ्थ इज, अगर आपने सिम्बोसिस पुणे का BLL भी दोनों भरा है तो आपको होगा एक ही इंटरव्यू, नोएडा का भी BA BBA भरा है, होगा एक ही इंटरव्यू, हर कैंपस का एक ही इंटरव्यू होता है, उसी के बेसिस पर आपको अलॉट होता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, मैं कट ऑफ का एल्ट्राइक नीचे मैं शेयर करता हूँ, आप सबको पता भी होंगे, जैसे 42 प्लस मैंने कहा है कि BLLB का कट ऑफ जाएगा सिम्बोसिस पुणे का, तो वैसे 42 से ऊपर वाले BLLB का इंटरव्यू दे रहे होंगे, बाकी BBA के लिए कॉल आएगा सिम्बोसिस पुणे का, ऐसा होता है, ठीक है ना। और क्या भैया मेरा नोएडा का भी इंटरव्यू होगा, पुणे का भी होगा? हाँ, अगर आपके स्कोर है, मतलब आपने 2 कॉलेज भरे हैं और मेरे स्कोर 44 है, और 40 ऊपर वालों को सबको सिम्बोसिस पुणे नोएडा का कॉल आते रहता है, अब दोनों इंटरव्यू दोगे तो पहले होगा आपका नोएडा का, फिर आपका होगा पुणे का, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, हर कॉलेज का अलग अलग इंटरव्यू मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप पे रहना, सारे सेशन होते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टाइम एंड ऑल, वो हम सब आपको ग्रुप पे बता देंगे, नीचे ग्रुप का लिंक है, बी देयर। मैं एक्चुअली दिन भर वहां पर आंसर करता हूँ मेंटर से आंसर करने के लिए, बाकी मेरा नंबर है, टेलीग्राम ID है, आप उसको टेक्स्ट कर सकते हैं, ओके। सिक्स्थ इज, इंपॉर्टेंस तो बहुत है इंटरव्यू का, मैं आपको पहले भी इंटरव्यू क्वेश्चन में बताया हूँ सेशन में और वीडियोज में बताया हूँ कि इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो आपके मार्क्स रखे रह जाएंगे, तो मेक श्योर इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। सेवन्थ, इंग्लिश में ही होगा, इफ यू थिंक कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तैयार कर लेना, उतने आंसर जरूर कर देना, ओके। एक और सजेशन है, इंटरव्यू ना हो सकता है कि आपका लास्ट, कई बच्चों का सिर्फ 5 मिनट चला था, कईयों का 15 मिनट भी चला था, इंटरव्यू होने से पहले तो आपको पता नहीं ना कि कितनी देर इंटरव्यू चलने वाला है, उस केस में सजेस्ट यू कि जो भी आप आंसर कर रहे हो तो अच्छे से करो, फैक्ट ऐसा मत करना आगे कुछ अच्छा क्वेश्चन आएगा तब मैं अच्छे से आंसर करूंगा, बड़ी जब क्वेश्चन उन्होंने पूछा दैट क्वेश्चन में भी लास्ट क्वेश्चन वो ट्राई करना, आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर करो, आपके आंसर 30 सेकंड से 40 सेकंड और डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन डिफर कर सकता है। और ये सारी चीजें आप कहाँ सीखोगे, जब मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँगा मोस्टली, इसलिए जो चैंपियन बैच में हमने आई थिंक ऑलरेडी 250 बच्चे हैं ऑलरेडी, उन सबके मॉक इंटरव्यू मैं खुद ही लूंगा। लास्ट ईयर हमने को 700 या 720 या 750 कुछ बच्चों के इंटरव्यू हमने पर्सनली, मैंने खुद इंटरव्यू लिए थे, मैं और अनुपम ने मिलकर 12 बजे से रात के 12 तक लेते हैं, 10 से 15 मिनट एक एक बच्चे का इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और अच्छी बात है कि 720-730 बच्चे जिनका इंटरव्यू लिया था उसमें से 510 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, तो बहुत सारे बच्चे हैं 0 आइडिया के इंटरव्यू में क्या पूछने वाले हैं, हमने सारा कुछ पूछ दिया था उनसे इंटरव्यू में जो भी, तो मैं आपको आपको बता रहा हूँ क्या क्या इंटरव्यू में CV, तो जब मैं मॉक इंटरव्यू आपको लूंगा मैं आपके CV से बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बता दूंगा कि ये 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके CV से पूछे जा सकते हैं, आपके इंट्रोडक्शन से मैं बता दूंगा, और कॉमन क्वेश्चन तो मैं सारे पूछ लूंगा, कि एक एक बच्चे से पूछा था कि आप एक फीमेल हैं और फीमेल ही थे कैंडिडेट, आप एक फीमेल हैं, एक कल्प्रेट आपके पास आ रहा है और ही सेड कि मैंने एक फीमेल का रेप कमिट किया है और रेप के बाद मैंने उसको जिंदा जला दिया और मैंने बॉडी को वहां डंप कर दिया, ये एक सिनेरियो दिया उसको,
तो ये आपके पास आया है, और लॉयर और डॉक्टर से तो कहा जाता है ना कि बंदा हर चीज बता देता है, उसने बता दिया, और उसने बोला कि मैंने वेपन जिसे मारा है मैं सारा वहां छुपाया हुआ है, बॉडी मैंने वहां दफन किया, तो क्या आप वो केस लेंगे? जब फीमेल तो ऑब्वियसली शी सेड कि दिस इज वेरी ग्रेवियस क्राइम एंड ऑल, मैं ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करूंगी, ही इज अ क्रिमिनल, हैव नो राइट टू लिव इन द सोसाइटी एंड ऑल, और डाउन उसका सेक्शन नहीं हुआ था। ये आंसर गलत है। एडवोकेट एक्ट 1961 जो प्रोफेशनल कंडक्ट मेंटेन करता है कि लॉयर होगा क्या, लॉयर कैसे बिहेव करेगा, उसमें लिखा है कि इनोसेंट अंटिल गिल्टी, राइट? आपने कैसे मान लिया? जब तक वो खुद कह दे कि मैं क्रिमिनल हूं, वो खुद जाके पुलिस पास भी कह दे कि मैंने खुद मर्डर किया, नहीं, पुलिस को प्रूफ लगाना पड़ेगा अटे जब जाके चीजें होती हैं, समझ गए? तो नो लॉयर कैन से नो टू एनी क्लाइंट जस्ट बिकॉज ही बिलीव दैट ही इज गिल्टी, और यू नो एक राम जेठमलानी ने भी कहा था, राम जेठमलानी जा यू नो इंस्पिरेशन की, भाई जब कोई किसी का केस नहीं ले रहा था, 2G स्कैम एंड ऑल, इतने बड़े घोटे, उसने सबको रिप्रेजेंट किया, जो स्कैम 1992 था, कोई इसको राम जेठमलानी से पूछा कि अरे जो फूडर स्कैम हुआ था लालू प्रसाद यादव ने, इतना बड़ा घोटाला किया, ही सेड कि कोर्ट कहेगा ना आप कौन होते हैं, मीडिया ट्रायल से तो नहीं किसी को जेल होती ना, जब तक कोर्ट ना कहते तो व्हाट शी शुड हैव सेड, कि ये सारी क्वेश्चन मैं जरूर पूछता मॉक इंटरव्यू में, सारी मतलब अलग अलग तरीके से कि नो सर आई विल टेक हिज, और मैं पूरा रिप्रेजेंट करूंगी, गलत है तो है, मर्डर भी किया तो क्या मर्डर को मैं कोर्ट में ना बोलूंगा हाँ सर इसने मर्डर किया, ऐसा नहीं होता। तो अंडरस्टैंड वो आपको आपकी मेंटल कैपेसिटी और एबिलिटी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फोर सेट ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन किस किस, मैं ब्रॉडर ब्रैकेट बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला सीवी से क्वेश्चन बनते हैं आपके, दूसरा आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या दे बोल रहे हो उससे बड़ा फर्क पड़ता है, थर्ड फॉलोअप क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसे फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोर्थ करंट अफेयर से आते हैं, लीगल करंट अफेयर से आते हैं, इस फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, पार्लियामेंट में कितने, लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, ये सारे क्वेश्चन में पूछते हैं, दिस इज वेरी ब्रॉड, और वो पूछते हैं दिस दे क्वेश्चन, आस्क ऑल दिस क्वेश्चन, ये पता होने चाहिए आपको। फर्स्ट फीमेल लॉयर कौन है, फर्स्ट अभी करेंट सुप्रीम कोर्ट में 4-5 लॉयर के नाम बताइए, अगर आपने सीवी में लिखा है कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो 5 लॉ फर्म बताइए टॉप, अच्छा आपको क्रिमिनल लॉ में जाना है, इंडिया के 5 टॉप लॉयर बताइए। सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था, अभी सिटिंग कितने जजेस हैं वहां पे, केशव नंद भारती जो केस है वो किस ईयर में आया था, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में आप क्या जानते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हो, आईपीसी कब आया था, आईपीसी के बारे में आप क्या जानते हो, डकैती क्या होती है, क्राइम क्या होता है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट दे कैन आस्क एनीथिंग अदर, राइट्स कितनी होती है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या डिफरेंस होता है, अगर मेरा राइट्स वायलेट हो रहा तो मैं कहां जा सकता हूं, किस कोर्ट के अंदर जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा तो किस आर्टिकल के अंदर जाऊंगा मैं, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या अंतर होता है, कंज्यूमर फोरम क्या होता है, आपको समझ आ रहा है द वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिस बिजनेस में, राज्यसभा के स्पीकर कौन है, अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, आप जिस स्टेट से आ रहे हैं वहां का होम वहां का लॉ मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है, वहां के चीफ जस्टिस कौन है, मैं एमपी से आता हूं तो मेरे से आती है आपके यहाँ पे कितने हाईकोर्ट की ब्रांचेस है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। लॉयर की 5 क्वालिटीज क्या होती है, आपको जज बनना है, जजेस की 5 क्वालिटीज बताइए क्या होती है, हु कंट्रीब्यूट्स मोर टू द सोसाइटी, डॉक्टर और जज और आईएएस ऑफिसर, अगर आपने लिखा है कि वन स्टैंड राइट की भैया मेरा उसने सीवी में लिखा हुआ तो मैं अभी बताऊंगा आपको सीवी में क्या क्या लिखते हैं कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो सेट कि आईएएस ऑफिसर बनना है तो लॉ क्यों कर रहे हो, आप एक सीट क्यों वेस्ट करो किसी पर्सन की, आप एक आईएएस ऑफिसर तो बीए करके बन सकते हैं, डीयू में जाके जेएनयू में जाके बच्चे बीए करते हैं, आपके 5 ईयर के बाद प्लान क्या है, आपकी 12th में सब्जेक्ट जिसे कि ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन बोलोगे कि माय नेम इज विकास जैन, आई हैड अ साइंस इन माय 12th, साइंस था तो लॉ क्यों आ रहे हो, दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चन विद देम आस्क, सिम्बायोसिस पुणे मिलेगा और आपको एनएलयू मिलेगा तो विच वन विल यू चूज, इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको जब भी आप चैंपियनशिप में हम के सेशन ले रहे होंगे, हम आप प्रॉपर 10 सेशन हमने प्लान किए हैं, और जो भी बच्चे चैंपियनशिप में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, मेजोरिटी ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, हम्बल रिक्वेस्ट आपका जब भी, ऑब्वियसली मैं आपको स्लॉट वाइज दे दूंगा कि आपका मतलब मैं सुबह ऑब्वियसली 12 o'clock से हम कल से स्टार्ट करें, आज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 5th ऑफ जुलाई, 6th ऑफ जुलाई से लेके
20 तक रेगुलरली डेली 3 से 4 घंटे इंटरव्यूज होंगे और 5 घंटे 6 घंटे जब तक तो बच्चे होंगे आपको स्लॉट दे दूंगा मैं, बट डू नॉट थिंक कि मेरा स्लॉट भैया 1 o'clock से 1:15 है, मैं तभी आपको सारे टाइम अवेलेबल रहना है. वाइट इज सो हम और लोगों के आंसर से भी सीखते हैं. समृद्धि और जो लास्ट ईयर विहान गुप्ता जो अभी एसएस पुणे में लास्ट 190 बच्चे समोसेस पुणे गए थे, पूरे बच्चे सारे सेशन में आते थे. अंदर से भैया जो क्वेश्चन हमसे पूछे थे वो पूछ लिया, आपने किसी और से पूछा था उन्होंने वो भी पूछ लिया. तो अंडरस्टैंड ये सारी चीजें, ठीक है. मैंने आपको सेट बता दिया. ओके क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी, ये बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं. करंट के टॉपिक पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर व्यू ऑन हिजाब बैन, रीसेंट 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आपको पता हो, ऐसे कोई रीसेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सोसाइटी पे, दीज ऑल थिंग्स कैन बी आस्क्ड. इसके प्रॉपर आंसर होते हैं वो हम आपको सजेस्ट करेंगे जब हम सेशन ले रहे होंगे. और मेजोरिटी जो मैंने अभी 10-12 क्वेश्चन बताए, ऐसे 300 क्वेश्चन चैंपियन मैच में हम आपको पूरी 300 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे. 90% क्वेश्चन उसी में से थे लास्ट ईयर, ठीक है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके इसके बाद मॉक इंटरव्यू, मैं आपका मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ. आई रियली वॉन्ट कि जो इंटरव्यू आपका हो उससे पहले, और जब मॉक इंटरव्यू हो सकता है मैं वॉइस में ले रहा हूँ, वॉइस चैट में ले रहा हूँ, या तो आपको जूम पे ले रहा हूँ. ड्रेस कोड रेडी रखना, कम विथ अ ड्रेस कोड, औरों के इंटरव्यू से सीखना कि क्या वो आंसर कर रहे हैं, ठीक है. और एक बेस्ट चीज आपके लिए होगी कि जैसे ही अंदर वाला पर्सन इंटरव्यू देके आएगा वो मुझे क्वेश्चन सेंड करेगा और तुरंत ही आपको ग्रुप एक्सेस मिल जाएगा उन इंटरव्यूज का, इन क्वेश्चन का, उनसे हम सीख सकते हैं. तो अगर आपका इंटरव्यू मान लीजिए 2 दिन बाद है तो डेली के 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन आपको पता होंगे क्या चल रहा है. तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए हैं. बिना मॉक इंटरव्यू दिए मत जाना, किसी फैकल्टी को दे दो, आपके ऊपर है, नहीं तो हम तो आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे ही लेंगे. और लोगों के मॉक इंटरव्यू में प्लीज़ प्रेजेंट रखना रहना कुछ भी आप करो. और उसके लिए हमें मेटेरियल है, कुछ 100 से 120 लिंक हैं जो करंट अफेयर के पढ़ने लग जाइए. चीफ जस्टिस पता सबको है, वहाँ भूल जाओगे. मैंने 5 क्वेश्चन पूछे आपसे कि चीफ जस्टिस बताइए, लॉ मिनिस्टर बताइए, नहीं मिले तो दिस गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन. ऐसा हाईकोर्ट कौन सा है जिस जो 2 स्टेट का कॉमन हाईकोर्ट है, राइट. नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कौन सा हाईकोर्ट, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं. बहुत ब्रॉड होता है इनका इंटरव्यू, मैंने देखा है. अगर कॉमर्स से हो तो प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी पूछ दें, कुछ भी प्रिंसिपल जो भी कॉमर्स का, कुछ बेसिक पूछ सकते हैं. साइंस के कुछ साइंस के पूछ देते हैं, आर्ट कर दें, आज के एरिस्टोटल की कुछ थ्योरी बताइए. ये सीवी में किसी बच्चे ने लिखा था कि मुझे सिंगिंग पसंद है, इंडिया के टॉप 5 सिंगर बताओ. मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, तो उस स्पोर्ट्स को पूछ लिया था क्या वो ओलंपिक का पार्ट या नहीं है, ओलंपिक में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं. ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं. नरेंद्र मोदी हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले कौन थे, लोकसभा में कितनी सीट है, राज्यसभा में कितनी सीट है. आप वेराइटी समझ रहे क्वेश्चन की, बट डरना नहीं है, प्रिपेयर होकर जाना है. वाई लॉ, वाई सिम्बोसिस, इंट्रोडक्शन, वॉट आफ्टर 5 ईयर, इन सबके क्वेश्चन तो मैं आपको प्रॉपरली एक सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा. एक इनकी है इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं माय नेम इज जयकांत जैन और आई एम फ्रॉम भोपाल और ऐसे खत्म नहीं होता. माय नेम इज जयकांत जैन, आई एम फ्रॉम अ सिटी विच इज सिचुएटेड इन MP दामोह. आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय. माई सब्जेक्ट्स इन 11th और 12th जो थे वो मेरे फैमिली का बैकग्राउंड. मैंने लॉ कब डिसाइड किया, एलसी की सर ड्यूरिंग 12th ओनली आई डिसाइडेड टू परस्यू लॉ एज अ करियर. मेरी हॉबीज क्या है, मेरी रीडिंग कौन सी, मैं रीडिंग करता हूँ नहीं करता, ये मेरी हॉबीज. ऐसे करके आपको एक 7-8 पॉइंट होता है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उस बेसिस पे इंट्रोडक्शन देना. ऐसा नहीं कि 2 महीने मेरे कहाँ, अरे उससे क्या होता है यार, वो तो हमारे सामने लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता, ठीक है. चलिए तो ये इंटरव्यू वाला पार्ट है. नाउ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वो सीवी और इंटरव्यू अच्छा होगा, आप पक्के से सेलेक्ट होने जा रहे हैं, नहीं तो डिफिकल्ट होगा, ठीक है. ओके नाउ कम टू द सीवी, लेट्स स्टार्ट विद द सीवी वाला पार्ट. बिफोर दैट कल हमने एक सेशन लिया था विहान गुप्ता जो SLS पुणे में है और वो CMP में चैंपियन मैच में पर्सनल मेंटर भी है. आप उसको DM भी कर सकते हैं, आप ग्रुप पे तो ही रेगुलरली आंसरिंग करिए. कल हमने एक सेशन लिया था 1 घंटे का, उसमें सारी चीज़ें, हमने उसमें मॉक इंटरव्यू भी लिया था उसका, कैसे उसने आंसर किया, सारी चीज़ें एक सेशन हमने रिकॉर्डिंग का ऑलरेडी शेयर कर रखा है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, या जो SLS वाला ग्रुप है उसके फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उसे गो थ्रू जरूर करना. उसमें हमने कुछ सारा कुछ डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है. और वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है उसका, खुद का सिलेक्शन हुआ है, तो वी नो दिस. ओके पहली बात CV के बारे में हम बात करते हैं, करिकुलम वेटे कहते हैं इसको मेरे ख्याल से, ठीक है. CV पहली बात 2 पेजेस की होगी है. सेकंड कुछ 7 पॉइंट्स ऐसा फॉर्मेट आपको देता है, हर साल फॉर्मेट सेम रहता है. वो फॉर्मेट हमने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी दे रखा है, आप होपफुली आप सब ऑलरेडी पार्ट है टेलीग्राम ग्रुप का, नहीं है तो ज्वाइन कर लेना. और स्लेट के व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो लेट मी नो, आई लेट यू नो व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी लिंक टेलीग्राम पे या हम यहाँ पे शेयर नहीं करते फॉर रीजन, तो आप मुझे एक बार DM कर देना व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीधे व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम पे नहीं हो पाती कई बार शेयर, ठीक है, ड्यू टू कॉपीराइट एंड ऑल. तो 7 पॉइंट्स मेनली होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. थर्ड इज इंटरव्यू से पहले
आपको सीवी सबमिट करना पड़ता है। तो अगर आपका इंटरव्यू 23 है तो उनके पहले आपको, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे ना, आपको दो चीज़ें मेल करनी पड़ती है, सीवी बना के ईमेल करनी पड़ती है और आपको अपने सर्टिफिकेट वगैरह इनको ईमेल करने पड़ते हैं, जो भी आप लिख रहे हो। अगर आप लिख रहे हो कि मैंने स्काउट एंड गाइड में था, मैं नेशनल तक गया या जहाँ भी गया, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। मैं स्पोर्ट्स में खेला हूँ, तो हर वो चीज़ जो आप सीवी में लिखोगे उसका सर्टिफिकेट होना बड़ा ज़रूरी है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सर्टिफिकेट नहीं है, बट आपको पता है उन चीज़ों के बारे में, आपने कुछ कोर्स किया है, नहीं है सर्टिफिकेट, लिख रहे हो तो पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं आपसे। ओके ना, सीवी के लिए फॉर्मेट हमने ग्रुप पे शेयर किया, वही सेम फॉर्मेट होगा, कुछ ऊपर नीचे होगा तो हम आपको गाइड करेंगे उसको लेकर, डोंट वरी अबाउट दैट। फिफ्थ, सर्टिफिकेट होने चाहिए अचीवमेंट के। सिक्स, विदाउट सर्टिफिकेट भी कुछ अचीवमेंट्स आप मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ से आप जरूर, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज नोट करिए अभी तक जो भी, होपफुली आप अगर इस पॉइंट पर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ वी मस्ट बी मेकिंग सम सेंस और कुछ हेल्प तो आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, नाउ सीवी फॉर्मेट आप नोट कर लीजिए। पहला जो आपको लिखना पड़ता है, ऑब्वियसली हेडिंग आती है वहाँ पे, सीवी फॉर सिम्बोसिस पुणे या सीवी फॉर सिम्बोसिस नोएडा, ये फॉर्मेट में पहला वहाँ पे नेम और रजिस्ट्रेशन, लेफ्ट साइड में आपका नेम रहेगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इसके बाद एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में होती है कि आई वॉन्ट टू पॉलिश माई स्किल्स और मे बी नो, मैं बहुत सारी लर्न, लॉ स्कूल में जाकर मैं बहुत सारी चीज़ें लर्न करना चाहता हूँ और सारी अपॉर्चुनिटी को ग्रेप करना चाहता हूँ, सो दैट यू नो आई कैन एक्सप्लोर द लॉ फील्ड और जो उस हिसाब से मैं कैरियर डिसाइड कर सकूँ। तो ये मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो अबाउट योर सेल्फ, इसका फॉर्मेट ऑलरेडी ग्रुप पे दिया है और बच्चों ने कैसा लिखा था उससे आप देख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात है कि फर्स्ट, ये हो गया बेसिक है, ये इसका कोई पॉइंट नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट है कैरियर गोल्स कि आफ्टर पर्स्यू माई 5 ईयर इन लॉ स्कूल, ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू एक्सपोज, उसमें ऐसा मत लेना आई वॉन्ट टू पर्स्यू जुडिशियरी एंड लॉ, उसको कैसे फ्रेम कर सकते हो कि ऑब्वियसली लॉ स्कूल विल गिव मी सिम्बोसिस पुणे, ऑब्वियसली लॉ स्कूल विल गिव मी अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल दिस फील्ड एंड देन आई विल बी डिसाइडिंग विच कैरियर आई वॉन्ट टू गो, एंड देन लास्ट में लिख सकते हो कि आई हैव अ काइंड ऑफ अ इंक्लिनेशन टूवर्ड्स जुडिशरी, आई हैव इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कॉपरेट लिटिगेशन, LLM, टीचिंग, जो भी आपका मन करे, या UPSC लिख देना, जो भी आपका मन करे, बट बेसिकली लिखना मैं एक्सप्लोर करूंगा। अगर आपसे पूछें ना वॉट यू वॉन्ट टू पर्स्यू आफ्टर 5 ईयर, ऐसे मत कहना सर जुडिशरी, ठीक है सर आई एम एंटरिंग अ लॉ स्कूल विद लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड आई विल बी एक्सप्लोरिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपोजर विच आई हैव आई विल बी डिसाइडिंग कि विच कैरियर वॉन्ट टू पर्स्यू। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैरियर गोल्स में क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ती हैं यहाँ पे। सेकंड, क्योंकि यहाँ पे अगर कैरियर में अपना जुडिशरी लिखा तो इसे क्या जुडिशरी में कैसे सिलेक्शन होता है, जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, टेल अस अबाउट द कोलिजियल सिस्टम, करंट जजेस कौन से, चीफ जस्टिस, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। लॉ फॉर्म लिखा होगा, लॉ फॉर्म कौन से हैं टॉप की, 5 लॉ फॉर्म याद कर लो, AZB, खैतान, तो AZB एंड कंपनी, खैतान एंड कंपनी, ट्राइलीगल, 4th शैम, शरदुल अमरचंद मंगलदास, और 5th कैम, शैरल अमरचंद मंगलदास, ये 5 लॉ फॉर्म याद कर लो। ठीक है, नाउ इसके बाद सेकंड में कॉलम आपका होता है, उसमें परसेंटेज और ग्रेड्स लिखने पड़ते हैं जो आपने ऑब्टेन किए हो 10th और 12th में, वो मेंशन करने पड़ते हैं 10th और 12th के बाद बच्चे, और कम है तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ से फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। थर्ड, एकेडमिक अचीवमेंट, थर्ड कॉलम रखा है एकेडमिक अचीवमेंट को, तो पहला लिखो कि मैं कॉलेज में या स्कूल में टॉपर था, पहला ये लिख सकते हो, या तो मैं टॉप 10%, अगर आप हमेशा बोलो कि ये तो हर कोई लिख सकता है कि मैं स्कूल के टॉप 10%, टॉप 20% बच्चों में था, अमंगस्ट द टॉप 5 और टॉप 10 ऑफ माई बैच, ये आप मेंशन कर, अगर थे तो लिखना, ऐसा नहीं कि परसेंट 60 है टॉप 10 का ही होता तो बैच क्या कर रहा था आपका, ठीक है वो लिख सकते हो। और कुछ एकेडमिक अचीवमेंट है, मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर हुआ मिला हो, ऐसे वो करण जौहर की मूवी वैसे में मिलता है, ऐसा तो मेरे स्कूल में नहीं था, कॉलेज में अच्छे नहीं लिए, मैं मैंने नहीं देखा था, ठीक है अगर मिला हो आपको, कुछ कुछ थे लास्ट ईयर मिला था उन्हें तो लिख देना। ओके, इसके बाद ओलंपियाड आपने किया तो वो भी एकेडमिक अचीवमेंट में आएगा, कुछ भी आपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किया हो, कुछ बच्चों ने मूच किए हैं वो भी आप लिख सकते हो, बिकॉज वो एकेडमिक का पार्ट होता है, कुछ क्विज किए हो वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, या ऐसा कुछ कोर्स किया हो जो एकेडमिक के अंदर में आता है, तो ये सारी चीज़ एकेडमिक अचीवमेंट में आपके आ जाएगी डायरा में, ठीक है। नाउ फोर्थ इज को करिकुलर स्लैश एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें आप क्या मेंशन कर रहे होगे, पहली बात कोई कल्चरल कमेटी, कुछ भी आपने कमेटी में कल्चरल में आप एक्टिव थे, स्पोर्ट्स में एक्टिव थे, उसको मेंशन कर दो। दूसरा, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे थे, कि जैसे मैं कॉलेज का तो आई वॉज प्रेसिडेंट SBA जो था हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बार एसोसिएशन, बट स्कूल टाइम पे मैं हाउस कैप्टन था और फिर मैं स्कूल का भी जो इलेक्टेड होता था ना हेड बॉय होता था वो था, या मॉनिटर वनिटर है वो भी लिख सकते हो इसमें हमने, तो जो अगर कल्चरल सोसाइटी के हेड था या किसी एक्टिव मेंबर था तो आप लिख सकते हो, आपको शो करता आप लीडरशिप में थे। सेकंड,
थर्ड आप मेंशन करते हैं, अगर हमने एमएनस की है वो आप मेंशन कर दो, मॉडल इन इंटरनेशन जो होता है उसको मेंशन करो। अगर मॉडल इन इंटरनेशन आप मेंशन कर रहे हो प्लीज वेरी केयरफुल, यूएन के बारे में पढ़ लेना, जो भी अभी इंटरनेशनल जो भी इश्यूज चल रहे हैं रशिया यूक्रेन बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं आपसे, ये इंटरनेशनल बॉडीज क्या होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एमएन जो बंदा कर रहा है उसको सब कुछ पता होता है, ये जरूर पढ़ के जाना ठीक है। नाटो वाटो के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। फोर्थ स्पोर्ट्स, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल, स्कूल में भी खेला हो, सेकंड रेस में जीते हो, सब लिख देना अगर किया हो तो, और सर्टिफिकेट अटैच कर देना उसके। फिफ्थ, कुछ अपने डांस किया हो, सिंगिंग किया हो, कुछ भी यू नो तो आप मेंशन कर सकते हो। मेनली सर्टिफिकेट 6 to 12 तक, एक ने तो फर्स्ट क्लास का लगा दिया था यार, फर्स्ट ईयर में वो अप्रिसिएशन होता है, वो जीता जो ना तुमने कुछ बना दिया तो उन्होंने तुम्हें दे दिया, ड्राइंग व्राइंग किया हो कुछ अच्छा, तो 6 के बाद मोस्टली। अब फर्स्ट क्लास में क्या ही था मतलब ठीक है, ABCD लिखने के तो मैं सर्टिफिकेट ना मिलेगा। ओके, फिफ्थ सिंगिंग है, डांसिंग है, कुछ भी है, भरतनाट्यम में कुछ कुछ सर्टिफिकेट किया कर सकते हो, अच्छी बात है। दैट्स सी सिमोसिस ये क्यों करा रहे हैं आपको, एक हमेशा किसी चीज़ के पीछे एक रीजन आप लगा रहे हैं, एक रीजन समझना चाहिए आपको। तो अगर इन्हें सिर्फ एकेडमिक वाले बच्चे चाहिए होते तो एग्जाम लिया था, कट ऑफ निकालते क्लैट की तरह और फट से, काहे को क्लैट आपका इंटरव्यू ले रहेगा, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब एकेडमिक वाले बच्चे ने ये ऐसे जानना चाहते हैं कि थोड़ा डाइवर्स बंदा हो, मतलब हमने वो करण जौहर की मूवीज में देखा है ना कि जो पढ़ने में भी बहुत अच्छा हो और यू नो छल्ला दी हंसदा फिर कर रहा हो या है ना उसमें, या बास्केटबॉल खेल रहा हो बीच में, उन्हें वो लोग चाहिए, उन्हें डाइवर्स लोग चाहिए, और लाइफ में उन्हीं लोगों की वैल्यू है। एकेडमिक बन के सी मतलब एक लाइफ कास्ट पे बताओ ना, आई मे बी रॉन्ग इन दिस बट जिन लोगों के कारण हमने अपने सारे स्कूल लाइफ में प्रेशर लिया ना यार, ये फर्स्ट बंदा, ये जिसके नाम से अपन को घर पर यार ये तो इतना अच्छा रैंक ला रहा आपके नहीं लाते, जस्ट फिगर आउट दैट मेजोरिटी आर नॉट डूइंग मच इन लाइफ, रे बहुत बेसिक कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड। बट बहुत सारे बच्चे जो नहीं थे, मीडियम थे, मीडियम एवरेज थे, आई हैव ऑलवेज बीन एवरेज स्टूडेंट, 10th में मेरे 9.2 GPA था, 12th में कम था, रहने देते हैं ओके इतना भी कम नहीं था, बट अंडरस्टैंड कि इट्स अबाउट कि आप क्या यू नो, तो ऐसे एक डाइवर्स पर्सन जो होगा ना, क्योंकि यार देखो एकेडमिक्स में अच्छा कोई भी हो सकता है यार, एक रूम में बंद हो जाओ पढ़ो 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 तो हर भी कर लेगा, तो दुनिया में तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपसे होती हैं, तो वो चीज़ आपको जरूर आनी चाहिए ठीक है। कुछ राइटिंग है, कुछ पब्लिकेशन हो, कुछ अपने सर्वे वगैरह किया हो, कुछ भी किया हो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, रिसर्च की हो, रिसर्च एक्टिविटीज को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है, उसको मेंशन कर सकते हो। इसके बाद ये फोर्थ कॉलम था। फिफ्थ आएगा आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन और / आउटस्टैंडिंग अवार्ड, आपको कुछ अलग करने का अवार्ड मिला हो, मान लीजिए आप कहीं स्काउट एंड गाइड में गए या कोई टूर वूर पे गए, वहाँ पे आपको कुछ अवार्ड मिला हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का अवार्ड मिलता ना, आपने कुछ एकदम सोशल सर्विस किया हो कुछ बड़ा सा, उसमें आपको अवार्ड मिला हो, वो सारी चीज़ें। कुछ बच्चे ने कथक डांस में मास्टरी किया था नेशनल, वो आप मेंशन कर सकते हो। कोई नेशनल स्कूल ऑफ यू नो जो ड्रामा होते हैं उसमें पार्ट था, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया कुछ भी नहीं हमारे पास, हो आई थिंक होंगे, मेरे पास आ चुके हैं क्योंकि काफ़ी थे, मैं भी नहीं मैसा था ज़्यादा कुछ था नहीं तो, बट फिर भी अभी भी अगर CV ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ भी अगर बनते ना देखे ना आप मुझे, एक तो आपको दो चीज़ें, पहली चीज़ क्या बोली वेट, तो वेट का पहली चीज़ आप मुझे वेट के, मैंने दो टॉपिक दिए हिजाब बैन और फेमिनिज्म इन करंट टाइम, इनमें से कोई एक टॉपिक आप ले लो, उस पर एक आधे घंटे वेट लेके आप मुझे भेजो, आई टेल यू कि क्या था कैसे करना था, ये वेट वाले पार्ट से। इंटरव्यू वाले पार्ट से आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे भेजिए, बेसिकली आई विल सजेस्ट कि सही है गलत है, इसमें क्या ऐड हो सकता है, क्या रिमूव करना है। कई बार ना आई एम रियली गुड इन, अपने आपका ईगो वाला इंटरव्यू नहीं देना हमें, तो दूसरी चीज़ आप मुझे वो भेजोगा। तीसरा जो जो आपके अचीवमेंट्स हैं प्लीज एक मैसेज बना के भेजोगे, ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, ये मैं कुछ और अभी भी 20 को 22 को सबमिट होगी CV आपकी, अभी भी 15 दिन में ना 100 कोर्स हो सकते हैं, 100 वॉलंटियरशिप ऐड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो लेट मी नो अगर कम हो तो बताओ, ज़्यादा फिर भी हम ऐड तो कर ही सकते हैं ठीक है। तो एडिशनल हो गया। इसके बाद 6 पॉइंट आपसे पूछा जाता है, रीजन फॉर ज्वाइनिंग BLLB SLS, BBLLB SLS कोने या SLS कोनेटा लिखो, तो मैं उसमें लिखता कि वाई एम प्लानिंग टू जॉइन बिकॉज सिम्बायोसिस कोने रेप्यूटेड है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं, एलुमनाई बेस बहुत अच्छा है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से टाइप्स काफ़ी सही हैं, ये सारी चीज़ें मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। और 7 पॉइंट होता है एनी अदर वर्क, मैंने कुछ NGO में पार्ट किया हो, कि मैं फूड बैंक का पार्ट हो, एक रोटी बैंक करके कुछ है उसमें है, या यू नो कुछ है फाइट फॉर हंगर के लिए फाइट है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद अगर कोविड के टाइम में, जो हर कोई लिख सकता है कि कोविड के टाइम मैंने अवेयरनेस फैलाने में हेल्प किया था, मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ यू नो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन में था, या वैक्सीन के लिए अवेयरनेस कर रहा था, अब इनके सर्टिफिकेट जो ना होते हैं, अब ये कोविड टाइम लोग मर रहे थे लिटरली डाइंग, अब मैं उनसे सर्टिफिकेट जो ना मांगता कि मैंने अवेयरनेस फैलाई तो उसका सर्टिफिकेट दो। यहाँ से समझ आ गया, ये था इंटरव्यू,
वेट और सीवी में क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए, और बस सीवी यहां से खत्म हो जाती है फॉर्मेट। पहला काम नीचे लिंक दी है तो टेलीग्राम ग्रुप में स्लेट वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, या मेन जो सीएमपी का है, आई थिंक हमने अभी 8000 कुछ एक्सपेरेंट्स है जो उसका पार्ट है, कल ही 8000 हमने टच किया, तो दैट्स अ गुड थिंग, एक ट्रस्ट है, ठीक है, पहली बार, तो उसको ज्वाइन कर लो, तो आगे के जो भी अपडेट्स होंगे वहाँ पता चलते रहेंगे। सीवी का फॉर्मेट वहीं अवेलेबल है, वेट का सैंपल मैं वहाँ पर शेयर करूंगा, और क्योंकि इस वीडियो के लिए एक चीज समझ आ गई, इंटरव्यू थोड़ा सा टेक्निकल है, वेट में भी एक अच्छी प्रिपरेशन चाहिए और सीवी के लिए भी प्रिपरेशन चाहिए। आई रिकमेंड यू, सीएमपी का चैंपियन बैच है, स्लेट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमने उस बैच को बनाया है, 1000 रुपीज, बस 999 रखा है, 1000, सो दैट हम मेंटर्स को भी पे कर सके जो हु विल बी टेकिंग इंटरव्यूज, सीवी चेक कर रहे होंगे, वेट चेक कर रहे होंगे, आपका वेट हम देखेंगे, आपके वेट के टॉपिक्स हम देंगे आपको, सीवी हम बनवाएंगे आपकी, मॉक इंटरव्यू मैं आपको लूंगा, 300 इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 150 वेट के टॉपिक्स हम देंगे, रीडिंग मेटल हम आपको देंगे, और लीगल वाइट्स पोर्टल का एक्सेस देंगे जहां से आप लीगल करंट अफेयर पढ़ पाओगे, सारा कुछ 1000 में प्रोवाइड हूँ। और इफ यू टेक दिस बैच तो आपको एमएससीटी के लिए विल बी गाइडिंग यू, अगर आप एमएनएल नागपुर का एजुकेशन कोर्स भी जा रहे हैं उसके लिए भी एवरीथिंग विल बी देयर, समझ गया, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई विल रिकमेंड यू शुड बी जॉइन द बैच बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल है, एवरीबडी कैन नॉट हेल्प यू, और जैसे क्लैट में होता था ना कि हर कोचिंग ने मॉक दिया, इसमें कोई कुछ नहीं कहेगा, ना तो हमें वेट टॉपिक कहीं से मिलेंगे, और रैंडम वेट टॉपिक्स पे डिपेंड मत करना, जो हमने लास्ट ईयर दिए थे तो वी कैन से प्राउडली कि यार 6 out of 6 टॉपिक आ गए थे, 190 बच्चों को हमने समर्सिस पर नहीं भेजा, 100+ बच्चे समर्सिस नोएडा गए, और वह एक और क्वेरी आती है, और प्लीज़ ये गलती कोई मत करना, प्लीज़ SLS पुणे का BA+ BBLLB दोनों भरना, नोएडा का BA+ BBLLB दोनों भरना, रही बात हैदराबाद और नागपुर की, क्योंकि नए हैं तो अगर आप ड्रॉप, अगर फ्रेशर हो, देखो अगर ड्रॉपर हो तो 100% प्लीज़ भर देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें ऑप्शन ऐसा आई, देखो IPU का नीचे का फालतू सा कॉलेज मिले, इससे बेटर मैं SLS का हैदराबाद से ले लूँ, ब्रांड तो है ना, और क्राइस्ट चला जाऊँ, क्राइस्ट का NCR चला जाए, नॉन तो वो चीज़ जरूर करना कि वो, और नोएडा के भी दोनों भरना, BLLB+ BBLLB, ये बेवकूफ़ी मत करना, मैं इसको बेवकूफ़ी ही कहता हूँ कि भैया मेरा तो कॉमर्स था मैं BA क्यों कर रहा हूँ, अरे बड़ी मेरा साइंस था, NLU's में जाने वाले 22 में से 18 NLU's में से BLLB है, आप कॉमर्स से आओ, साइंस से आओ, आर्ट्स से आओ, मेडिकल से आओ, कहीं से आओ, आपको BA पढ़ना पड़ता है, कुछ में BCOM LLB है, किसी जैसे निर्मा में BCOM LLB है, सब मैनेज हो जाता है, हम तो लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो बस एडिशन है, आप कॉमर्स से भी हो सब कर लोगे BA में, आप आर्ट्स से भी हो, साइंस से भी, आप सब BBA भी कर लोगे, प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। उसके बाद मेरे पास हजारों फोन आते कि भैया SLS पुणे में इसको मिल गया मुझे नहीं मिला, मैं तो इसको बेटर थे, बट इसको BBLLB मिला, और SLS नोएडा का BALLB से लाख गुना बेटर है, मैं BBLLB में पुणे का कर लूँ, हमें कॉलेज जाना है, अच्छे मैंने NLS BBLLB करा है, और आमनेली लखनऊ मुझे BA करा है, तो मैं NLS जाऊँगा, Tier 1 है, Tier 1 मतलब मैं Tier 2 के बराबर मानता हूँ, Tier 2 के बराबर है आपका SLS पुणे, तो अगर कुछ बच्चे भैया SLS पुणे लेना है, बड़ी HNLU मिलता, आमनेली मिलता, पटियाला मिलता, और NLU मिलता, आमनेली मुंबई लेते ना, तो फिर वो भी लेना चाहिए, समझ गए आप, अगर आप ड्रॉपर हो तो प्लीज़ वो भी लेके चलना सेफ्टी के लिए, नागपुर हैदराबाद भी लेके चलना, और अगर आप फ्रेशर हो और ड्रॉप नहीं लेना है, ड्रॉप लेना तो ऑब्वियसली हैदराबाद और नागपुर लाशे के बीच में ड्रॉप करके जैसे हम वाला क्रेडिट लिख दिया था। दूसरा, अगर फ्रेशर हो भैया कॉलेज में जाने जाना है, हमने तो कसम खा रखी है कि हमें कॉलेज जाना है, तो भर देना, कोई हार्म नहीं है, कॉलेज जाओ, वहाँ से हर कोई अच्छा कर सकता है, मैं तो अभी मानता हूँ, मैं क्लब में सिलेक्शन नहीं भी होता ना, लेकिन ना थोड़ी आपके अंदर एक आग होती रही, वही चीज़ें करा रही है, तो मुझे ना आज भी कोई एक नॉर्मल से एक एवरेज जहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर हो, एकदम घटिया कॉलेज ना हो, एक डिसेंट हो, सेम्बोसिस के तो सारे कॉलेज अच्छे हैं, मुझे वहाँ रख दोगे मैं उतना ही अच्छा करूँगा जो Tier 1 का बच्चा अच्छा करेगा, ठीक है, इसलिए ही हमने ये ना गैप मैंने काफ़ी देखा कि UPS जाने वाला बच्चा, निर्मा जाने वाला बच्चा, या क्राइस्ट में जाने वाला बच्चा, या कोई भी प्राइवेट कॉलेज जैसे कोई लॉयड जा रहा है, कोई GD गोइंग का जा रहा है, कोई अमेठी जा रहा है, कोई वेनेट जा रहा है, वो बच्चे बड़े डाउट में रहते हैं, एक दो साल वो डाउट में निकाल देते हैं कि भैया NLU's में तो कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे बड़ी, मैं गया हूँ कुछ अलग नहीं होता, बस वो एक स्मार्ट लोगों को सेम एक जगह रख दिया तो खुद ही फिगर आउट कर लेते हैं। NLS के बिल्डिंगों से बनता है क्या? कुछ कॉलेज की बिल्डिंग बड़ी होती है, बिल्डिंगों से कॉलेज नहीं बनता, वहाँ के बच्चों से कॉलेज बनता है, तो उसके लिए हमने लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम बना रखा है कॉलेज, इसलिए मैंने इसे कि अगर आप CMP साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, CMP ट्रस्ट कर रहे हैं ना, आप एक साल हम आपके साथ नहीं, हम आपको 6 साल रहते हैं, आप एक साल तो CMP के साथ प्रिपेयर करेंगे क्लेट मेंटरशिप प्रोग्राम, और जैसे आप कॉलेज जाएंगे, आप जैसे सिम्बोसिस पुणे गए, नोएडा गए, जहाँ भी आप जाओ, 5 साल हम आपको पहले डे से बताएंगे कि सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, एकेडमिक्स कैसे करना है, उसमें भी फ्री और पेड बैचेस होते हैं, तो फ्री वाला तो नीचे लिंक है, वो ज्वाइन तो कर ही लेना, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एकेडमिक्स के लिए,
आपका सीवी बनाने के लिए, आपका कवर लेटर बनाने के लिए, और आपके लिए मूटिंग के लिए, रिसर्च के लिए, सारी हज़ारों चीज़ें होती हैं जिसका ये जीरो आइडिया लॉ स्कूल में क्या होने वाला है, उस सब के लिए विल बी गाइडिंग यू। पहली चीज़ है क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम का जो चैंपियन बैच है, स्लैट के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक है। नहीं है मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आज ही ज्वाइन कर दो। सो दैट क्योंकि एक आई थिंक कल या परसों एक लिमिट के बाद हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर बच्चे का मॉक इंटरव्यू मैं ले भी नहीं पाऊंगा, राइट। हर किसी की सीवी से जाना है, वेट को देखना है, वो सबके साथ पॉसिबल नहीं होगा। यू शुड बी ज्वाइन द बैच, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, लिंक है। और कुछ डाउट है, मैंने आपको वेट बताया, इंटरव्यू बताया, सीवी बताया, इनमें से कुछ भी आपके डाउट नीचे आप कमेंट करो, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर क्वेरी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जो स्लेट लिख रहा है या अदर बैकअप ऑप्शन के लिए ही इज लुकिंग फॉर। सो शेयर दिस विद एवरीवन। थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। सो क्योंकि अभी स्लेट के अपडेट्स आते रहेंगे सारे, मैं ग्रुप पे शेयर करता रहूँगा, और MSCT के वीडियोस आएंगे, बहुत सारी वीडियोस अभी आने बाकी हैं। आप नीचे एक बार लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, और CMP के चैंपियन बैच में आप एनरोल कर लीजिए, जिससे जैसे आप एनरोल करेंगे तुरंत ही आपको वेट के टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी। और इंटरव्यू मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, कल 12 o'clock से। और वंस यू ज्वाइन द बैच, मैं कल से आपके मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करूँगा, और ट्राई की बच्चों के एक या दो मॉक, अगर जरूरत होगी तो दो दो मॉक इंटरव्यू हम उनके प्लान करेंगे। बट विल मेक श्योर लास्ट, क्योंकि अब ना ऑप्शन एक ही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, अभी भी आपके हाथ में कॉलेज नहीं है पहली बात, या है तो आप उस कॉलेज से खुश नहीं हो। Tier 3 NLU मिले ना तो समझो पुणे चले जाना, CNLU पटना से तो मैं बेटर मानता हूँ पुणे, फॉर है भी वो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलुमनाई बेस के लिए 50 साल NLS से पुराना कॉलेज है, और एक और चीज़ पढ़ के जाना, वो लास्ट से कुछ बच्चे से पूछते थे कि ये समझो पुणे का फाउंड हुआ, सब हवा में गया, कब फाउंड हुआ, तो हम उसकी लिंक, हमने CMP वाले बच्चे को तो लिंक दिया था, तो उन्होंने फट से बता दिया था कि हाँ ये तब वो फाउंड हुआ। Clear है? That's all for today's video. Thank you so much for your trust. Thank you so much and we'll be helping you in your journey for CLAT, A-LIT, MSCT, जो भी आगे आने वाला है, जो ऑलरेडी हो चुका है स्लेट एंड ऑल, और लॉ स्कूल के लिए तो लॉ स्कूल मेंटरशिप इज देयर। That's all for today's video. Thank you so much. Bye-bye. Take care.